हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम। मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहाँ आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। शिल्पा की वैनिटी में है बहुत कुछ खास। योगा सेक्शन से लेकर मॉड्यूलर किचन तक वैन में है चमकता। घर के बाद बॉलीवुड स्टार्स का सबसे ज्यादा वक्त उनकी वैनिटी वैन में ही गुजरता है। उसे उनका सेकेंड होम कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में घर को आलीशान बनाने के साथ साथ स्टार्स वैनिटी वैन पर भी करोड़ों खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। बात चाहे सलमान शाहरुख की हो या आलिया करीना की, स्टार्स वैनिटी वैन को आलीशान बनाने से पीछे नहीं हटते। अब देखिए ना, हाल ही में जब शिल्पा शेट्टी की वैनिटी की पिक्चर सामने आई तो बस सब देखते ही रह गए। ब्लैक कलर की इस लग्जूरियस वैनिटी में मिसेस कुंद्रा का दूसरा घर बसता है। बाहर से देखने में ये वैनिटी जितनी आलिशान है उतनी ही अंदर से कमाल है। शिल्पा की वैनिटी के बाहर SSK लिखा हुआ है, वहीं अंदर मॉड्यूलर किचन के साथ साथ योगा एरिया भी है। ग्रीन कलर की मैट स्पेशली शिल्पा ने अपनी वैन में रखी है, जिससे वो कभी भी कहीं भी अपनी फिटनेस पर काम कर सकें। इतना ही नहीं, इस वैनिटी की लग्जरी को वैन में दिया गया सनरूफ और भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर शिल्पा की वैनिटी में हर वो चीज मौजूद है जो उनके घर पर होती है। सलमान के आलिशान वैनिटी में मेकअप रूम के अलावा स्टडी रूम भी है, जहाँ सलमान फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ते व रिहर्सल करते हैं। बस में बेड के अलावा वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक सुपरस्टार के लिए होती हैं। बस में शॉवर और टॉयलेट के साथ मूड के हिसाब से एडजस्ट होने वाली लाइटिंग भी है। जब बात हो सबसे महंगे और स्टाइलिश वैनिटी वैन की, तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड के किंग खान का, जिनकी वैनिटी की कीमत 4 करोड़ रुपए है। इसमें लिविंग एरिया के साथ जिम, बेडरूम और रेस्ट रूम जैसी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। ऋतिक की वैनिटी में उनका टेक्नो प्यार साफ नजर आता है। इनकी वैनिटी में 3 हिस्से हैं, एक ऑफिस और लाउंज, दूसरा बेडरूम और तीसरा वॉशरूम। इसमें लगी ब्लू लाइट्स किसी पार्टी में आने की फील देती है। पूरी वैनिटी में ब्लैक एंड व्हाइट वुड और ग्लास का इंटीरियर है। अजय देवगन की वैनिटी वैन किसी स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है। उनके वैनिटी की सबसे खास बात है जिम। इसमें खास तरह की वेट लिफ्टिंग मशीनें लगी हैं। सिंघम एक्टर को शूट के दौरान कई बार वर्कआउट के लिए जिम जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने वैनिटी में ही जिम बनवा लिया। जिम के अलावा इसमें ऑफिस, किचन, रेस्ट रूम और आराम करने के लिए जगह बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। 9 जून को नयनतारा डायरेक्टर विग्नेश सिवन के साथ साथ फेरे लेंगी। दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और मेहमानों को इनविटेशन भेजा जा रहा है। साउथ की ये ग्रैंड वेडिंग महाबलीपुरम के एक रिसोर्ट में ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें देश की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी। होने वाले दुल्हा दुल्हन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin से लेकर अपने साथी कलाकारों को शादी में इनवाइट किया है, जिससे साफ हो जाता है कि ये शादी हाई प्रोफाइल होने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो वेडिंग वेन्यू पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिन मेहमानों को न्योता दिया गया है, उन्हें शादी से पहले एक स्पेशल कोड दिया जाएगा। मेहमानों को कोड दिखाने के बाद ही वेडिंग वेन्यू में एंट्री दी जाएगी। इन सब के बीच इस कपल की शादी के कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये एक इनविटेशन वीडियो है जिसमें शादी से संबंधित सारी डिटेल्स दी गई हैं। वैसे आपको बता दें कि नयनतारा और विग्नेश सिवन एक दूसरे को पिछले 6 साल से डेट कर रहे थे। इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2015 में तमिल फिल्म नानम राउडी धान के सेट पर हुई थी। तभी एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात नजरों से बढ़कर दिल तक पहुंच गई। पिछले साल दोनों ने सगाई की थी, जिसके करीब 1.5 साल बाद 9 जून को पवित्र बंधन में बंधने का इन्होंने फैसला किया है। नयनतारा का नाम साउथ की बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार होता है। रजनीकांत से लेकर साउथ के हर बड़े एक्टर के साथ एक्टिंग कर चुकी नयनतारा अब बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एटली के डायरेक्शन में बन रही शाहरुख खान की फिल्म जवान से नयनतारा बी टाउन में कदम रखेंगी। हाल ही में इस फिल्म का टाइटल और शाहरुख खान का पहला लुक रिवील किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। शादी की अफवाहों पर चुटकी लेती दिखी सोना।
मिस सिन्हा ने शादी के सवालों पर क्लैरिफाई है किया। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड सितारों का भी है। लाख छिपा ले, लेकिन उनके प्यार के चर्चे तो होते ही हैं। अब देखिए ना, बीते दिन जब सोनाक्षी के लिए उनके खास दोस्त जहीर इकबाल ने प्यार भरा मैसेज लिखा, तो किस तरह दोनों के प्यार की खबरें पूरे बाजार में आग की तरह फैल गईं। जैसा कि सब जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के अफेयर के चर्चे पिछले काफी वक्त से माया नगरी के गलियारों में ही हो रहे हैं। हालांकि दोनों ही इस पर कुछ भी कहने से बचते हैं। हाल ही में जहीर और सोना को एक साथ फेमस प्रोड्यूसर दिनेश विजन की बहन के रिसेप्शन पर स्पॉट किया गया था। दोनों स्टार्स ब्लैक कलर की ड्रेस में साथ पहुंचे थे। ऐसे में दोनों का साथ में आकर मीडिया के लिए पोज देना इनके अफेयर की खबरों को और तूल दे रहा था। लेकिन सोना के बर्थडे पर जहीर इकबाल के जो पोस्ट किया, उससे लोगों के मन में ये शक कंफर्म हो गया। दरअसल जहीर ने सोनाक्षी को उनके स्पेशल डे पर विश करते हुए अपनी स्पेशल फ्रेंड को विश किया था। जहीर ने उन्हें विश करते हुए मिस सिन्हा के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों का एक वीडियो शेयर किया और साथ में लिखा, हैप्पी बर्थडे, मुझे ना मारने के लिए थैंक यू, आई लव यू। आने वाले वक्त में हम यूं ही खाते, प्यार और हंसी बिखेरते रहें। इस वीडियो में एक बार फिर सोना और जहीर की केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम और बॉन्ड शेयर करते नजर आए। वहीं सोनाक्षी ने जवाब में लिखा, थैंक यू, लव यू और अब मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ। लेकिन अब सोना ने एक वीडियो शेयर कर प्यार की और शादी की खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सोना ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, मैं मीडिया से क्यों हाथ धोकर मेरी शादी करवाना चाहते हो, जिसके जवाब में मीडिया कहती है, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। सोनाक्षी के सरकास्टिक वीडियो ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल सोनाक्षी का शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है। हाँ, ये बात और है कि जहीर संग अपने रिश्ते पर अभी भी मिस सिन्हा ने कोई खुलासा नहीं किया है। वैसे आजकल सोना मैडम के हेडलाइंस में आने की वजह कभी उनकी एंगेजमेंट फिंगर में दिखी रिंग होती है, तो कभी जहीर के साथ उनकी बढ़ती क्लोजनेस। अपने फिल्मी करियर के चलते तो सोना न्यूज में बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर एक साथ फिल्म डबल एक्सल में भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। कोड एम सीजन 2 के साथ आ रहा है और इसी के साथ वापसी कर रही हैं मेजर मोनिका मेहरा। इनके एक्टिंग की अगर बात करें तो वो अपने एक्टिंग के हर कसौटी पे खरी उतरी हैं, बात चाहे कुमुद की हो या माया की। उन्होंने हर अपने किरदारों से हम सभी के दिलों को मिला दिया है और अब मेजर मोनिका मेहरा के किरदार से हम सबों को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। हमारे साथ हैं मेजर मोनिका मेहरा यानी कि जेनिफर विंगेट एंड तनुज विरमानी यानी कि अंगद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सच अ लवली इंट्रोडक्शन यू गेव, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू गाइस? तनुज विरमानी, नाइस टू मीट यू। हाय हाय जेनिफर इंग्लिश, इट्स एक्चुअली विरमानी, बट हाँ ठीक है। इस बार मतलब पिछले सीजन में बहुत कुछ था, बहुत कुछ आप पता भी कर रही थी, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। इसमें किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स थे? इसमें और भी ट्विस्ट एंड टर्न, हाँ उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये सीजन 2 है तो डबल द फन, डबल द ट्विस्ट, डबल द टर्न्स। बट इस सीजन में ऑल्सो हम मोनिका के बचपन में जाते हैं कि जहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो उसको अभी तक तकलीफ देती है, और कैसे वो उसके साथ साथ अपनी जो ड्यूटी है वो निभाती है, और साथ में उसके कुछ रिलेशनशिप का भी ऊपर नीचे चल रहा है। तो इस मतलब इस मोनिका के इस फेज में वो थोड़ी, शी इज काइंड ऑफ ऑल ओवर द प्लेस, तो वो बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, कैसे जैसे कि वो हमेशा कहते हैं कि आर्मी ओवर फैमिली, जब वक्त आर्मी की, जब आर्मी बुलाती है तब सब कुछ पीछे छोड़कर शी हैज अ ब्लाइंडर्स ऑन, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। So, ये है, ऐसा कुछ है। पिछली बार तो हमने एक्सेस को देखा था आमने सामने आते हुए, इस बार मुझे ऐसा क्यों, इस बार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि दशरथ बहुत कम दिख रहे हैं। दशरथ कौन है? हाँ, देखो एक्स, एक्स ना, अभी एक्सेस के बारे में कौन पूछ रहा है? सराउंडेड बाय माय एक्सेस। अभी दशरथ के बारे में तो मोनिका मेहरा ही जवाब देंगे। वह दशरथ कहाँ है आजकल? Chilling in life. No, he's a fantastic actor. I will say that about him. उसके साथ, I haven't worked
इतना मैंने हमारे इतने सीन्स नहीं हुए बट जितने भी सीन्स मैंने आई हैव शॉट विद हिम दे हैव बीन वेरी गुड और एंड इज अ फैंटास्टिक एक्टर. बट शो की बात करें तो हाँ कुछ तो एक सिचुएशन वहाँ चल रही है जो कि अभी पूरी तरह से मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि और यही है क्योंकि एक थ्रिलर शो है इसलिए ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं वो जानने के लिए आपको देखना होगा Code M Season 2 streaming from the 9th of June on Voot Select. हम आपसे जानना चाहेंगे कि since आप बहुत सारे OTT platforms पे आप दिख रहे हो बहुत सारे web shows में what interest you to do this Code M? Me. See honestly जब हमारे producers अमर खान आए थे मेरे पास 2019 में तो ये explain की ठीक है हम ये बनाना चाह रहे हैं I already knew he has a very good background in making films and web series on the armed forces. तो जब ही उन्होंने ये कहानी narrate किया मुझे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Then I got to know that Jennifer Wingett is on and Rajat Kapoor is on and Seema Biswas is on. I'm like यार सब अच्छे अच्छे कलाकार हैं सबने हाँ बोल दिया हाँ ही बोल दो अच्छा ही होगा. What can go wrong? And then I met her for the first time. I met our director Akshay for the first time. और तीनों के बीच में you know we had a very nice not just had we have a very nice friendship and a very nice chemistry you know so that's how the entire thing started. Mujhe zyada expectations nahi the season 1 se to be honest. Mujhe laga ki theek hai chal gaya to chal gaya but the way it worked yani ki 2020 jan mein jab ye release hui to it became a sleeper hit yani ki it was almost like yeah, what we all it, were like yeah. What just happened? Is it still the most watched show of the platform? Is it still the most watched show 6 months later still the most watched show like what's going on? So then we got excited. We're like, अच्छा लगता है कि season 2 तो बनेगी बनेगी. And we were, and you know when you get along with people you work with, आप चाहते हो कि आप वापस आओ and you are able to tell more stories. So it's been amazing. और season 2 पे मेरे ख्याल से हमें और भी मजा आया because right now तो it's a very lived-in feeling with all of us, the cast, the crew, whether it's Amar Khan, all of us, we all know each other, and we all have a very honest equation and relationship with each other. You know, so I feel season 2 mein you are going to get lots of twists, turns and dhamal and maybe I want to ask you a question. Aapko kya lagta hai Dashrath kahan hai? Dashrath apne ghar pe honge is waqt akele honge. Aur secondly aapko kya lagta hai ki Major Monica Mehra aur Angad ek saath nazar aayenge? Will they get back together as a couple or will there be exes? I have seen season 2 so I can't comment. Shabash bete shabash. Because you were talking about the spoiler so I know the spoiler. Oh. I don't want to reveal it. If you like the season blink your eyes once. Okay. Chalo. बहुत सारी फिजिकली हमने देखा कि बहुत आप एक्शन सीक्वेंस भी हैं आपको हमने बॉक्सिंग भी करते देखा बहुत कुछ था उसके लिए आपने कितनी ज़्यादा तैयारी की थी? आई थिंक जो सीजन 1 के पहले क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था इसलिए उस वक्त मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी कि मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सीख तो सब लेते हैं बट इफ यू आर प्लेइंग यू नो अ पर्सन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस वो effortlessness दिखना चाहिए when you're performing. तो to get that effortlessness was what I was aiming for, जो कि season 1 में you know I hope दिखा हो और season 2 में उसी को हमको finesse करना था also because season 2 के shoot से पहले COVID से हम बस बाहर ही निकल रहे थे you know चीजें खुली नहीं थी धीरे धीरे खुली रही थी तो वो एक थोड़ा सा वो difficult था to do everything that I did during season 1 तो उस हमारे limited resources में limited time में मुझसे जितना हो पाया मैंने किया और आई जस्ट होप कि हमारे एक्शन मास्टर ने निशांत भाई ने संभाल लिया जो भी संभालना था और अ बिग शाउट आउट टू हिम अ बिग शाउट आउट टू अक्षय आल्सो बिकॉज यू नो इट्स नॉट जस्ट कि मैं क्या कर सकती हूँ इट्स कि कैमरा क्या कर सकता है हमारे डायरेक्टर क्या कर सकते हैं हमारे को एक्टर क्या कर सकते हैं इट्स अ टीम एफर्ट और जब ये सब चीज़ें साथ में होती है तभी चीज़ अच्छी निकल कर आती है. आर्मी कैंप के अंदर शूट हुआ था तो क्या ये सेटअप था या फिर दैट रियल रियल 100% रियल. मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ. तो मैं एक दिन आया था शूट पर और मैं देखा कि यार नाकाबंदी है चार पांच आर्मी के ट्रक है उसके अंदर कई सारे सोल्जर्स है पूरा किट गियर बंदूक. आई एम लाइक वाह हमारे प्रोड्यूसर समर खान ने तो नेक्स्ट पांच लेवल ऊपर ले लिया ये तो हॉलीवुड बन गया. तो मैं उतरा मैं बोला मुझे लगा जूनियर आर्टिस्ट बोला अरे सुनना बंदूक दे तो बोला
अरे बंदूक देना शर्मा रहा क्यों है, बंदूक दे. बोला नहीं. देन वन ऑफ द एडीज केम रनिंग टू मी, बोला कि सर वो एक्चुअली जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, इज एक्चुअली फ्रॉम द आर्मी. हमने क्या बात कर रहा है यार. एंड उनका जो डिसिप्लिन होता है, तो इट वाज सो ऑथेंटिक कि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि रियल क्या है, रियल क्या है. एग्जैक्टली. अब मैं अपने सारे सेट्स पर जाता हूं ना, किसी के पास बंदूक हो ना, सर मिलेगा क्या? I'm very, very tentative now. Lastly, what you want to say? We all are very much excited for Code M and aapki wapasi. ये तो हर महीने एक शो लॉन्च करता है. आ जाओ दरबार में, कभी मिलेंगे अभी. थैंक यू सो मच. प्लीज डू वॉच कोडियम सीजन 2, 9th of June, वूट्सला.